सागर डोलते श्री श्याम नगर मध्य नव सत्योत्र शास्त्र श्री नन्नांगीय संवत्सरे मासोत्तमे मासे पूर्ण पवित्र मासे अजमेर नगर निगम के वार्ड 5 में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए करीब 1 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन डाली जा रही है। यह पाइपलाइन वार्ड नंबर 5 के अलग अलग कॉलोनियों और क्षेत्रों में 2.25 किलोमीटर डाली जाएगी। इसका शुभारंभ अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने किया है। पाइपलाइन का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजमेर में पेयजल वितरण प्रणाली बहुत खराब है, यह अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। पर्याप्त जल होने के बावजूद लोगों को 3 से 4 दिनों तक पानी मिल रहा है, जिसके कारण सभी में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 5 की अलग अलग कॉलोनियों में बनी पुरानी पाइपलाइन और छोटी पाइपलाइन होने के चलते पानी की समस्या ज्यादा आ रही है। ऐसे में क्षेत्र में नई पाइपलाइन डाली जा रही है। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद एडवोकेट अजय वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके चलते आम जनता को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मौके पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 150 लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। शहर में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं। हालांकि अफसरों के नकारापन के कारण पूरी तरह पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारे प्रयासों के अंतर्गत पाइपलाइन जो पुरानी है और छोटी है उसको लेकर के वार्ड 5 के अपने शिव शक्ति कॉलोनी श्याम नगर खटीक बस्ती प्रकाश नगर के विभिन्न वार्ड 5 की गलियों में वार्ड पार्षद के आग्रह और इनके सानिध्य में आज लगभग 95,38,000 की लागत से इन पाइपलाइन बिछाने का श्री गणेश किया है। कुछ हिस्सा पाइपलाइन का 6 इंच का है और कुछ पाइपलाइन 4 इंच की है। इन दोनों से बिछाने के बाद मुझे विश्वास है कि क्षेत्र में पानी की समस्या से राहत मिल पाएगी। और साथ में वार्ड के अंदर पट्टों का वितरण भी, जो काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज उनके इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो रही हैं और लगभग ऐसे 40 से अधिक पट्टों का भी आज वितरण हो रहा है। मैं सोचता हूँ उससे भी यहाँ के निवासियों को निश्चित रूप से एक कई दिनों के इंतज़ार खत्म होकर के उनको पट्टे मिलेंगे, राहत मिलेगी। तो इस क्षेत्र में यहाँ के पार्षद और हमारे पार्टी के द्वारा, मेरे द्वारा, ये सारे लोगों के विकास के कामों में हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। मैं आशा करता हूं कि हम लोग अजमेर वासी सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अजमेर जो कि स्मार्ट सिटी के रूप में हम आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सारे जन की समस्याओं का भी समाधान होगा। अजमेर शहर में जो पेयजल की पाइपलाइनें बिछाने का काम चल रहा है, माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर अजमेर उत्तर के वार्ड संख्या 5 को लगभग 2.25 किलोमीटर की पाइपलाइन मिली है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बिछाई जाएगी, जिसमें जैसा भी विधायक जी ने बताया कि 4 इंची और 6 इंची की पाइपलाइन होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं जो जलदाय विभाग है उसको ये कहना चाहूँगा कि पाइपलाइन है, सरकार का पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, लेकिन जहाँ तक अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, वैसे भौगोलिक दृष्टि से भी हमारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, क्योंकि हम बाकी विधानसभा क्षेत्रों से टोपोग्राफिकली ऊंचे हैं, लेकिन पानी की जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी का जो वितरण है और पानी का जो लीकेज है, वो डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लगभग पिछले 9-10 साल में 400 करोड़ से ऊपर मेंटेनेंस के लिए खर्च हो चुका है, फिर भी पानी पर्याप्त है बीसलपुर में। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, वो आंकड़ों के सहित मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से जलदाय विभाग से विनम्र आग्रह करूँगा राजस्थान सरकार से कि विशेषकर अजमेर उत्तर की जो पेयजल वितरण प्रणाली है उसको सुधारें। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पाइपलाइनें डाल रहे हैं, इसके लिए विधायक जी की अनुशंसा के लिए विधायक जी साधुवाद है, बाकी सारे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक कहावत है हमारे राजस्थान में कि बेरामो हो तो खेड़ी में आई ना, पाइपलाइनें कितनी भी बड़ी हम डाल लेंगे, पैसा जनता का ही है, लेकिन अपनी वितरण प्रणाली को सुधारें उस समस्या से। और आज हम 40 से अधिक पट्टे जो 69A के हैं
नगर पालिका अधिनियम के तहत वो देने जा रहे हैं। हमारे तकरीबन 150 से अधिक पट्टों का आज वितरण वार्ड 5 का हो जाएगा। इसके पश्चात भी हमारे करीब 300 पट्टे और पेंडिंग हैं, तो जो प्रतिबंधित नहीं है उनको सबको पट्टा मिलेगा। हम 40 साल रहे यहाँ रह रहे हैं, हमारे कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं था। आज वार्ड मेंबर हमारे बहुत अच्छा है ताकि हमको सबको पट्टा मिल रहा है। हमको इतनी खुशी है कि बहुत किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं आप। हम पट्टे के लिए हमको सबको पट्टे मिल रहे हैं। अब कितने भी वार्ड मेंबर आ चुके हैं पर किसी ने नहीं कराया, आज हमारा वार्ड मेंबर इतना बढ़िया आया ताकि हमको सबको पट्टा मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत वापिस, ये वार्ड मेंबर हमारे वापिस आए।